शाम का समय था, वो मुस्कुरा रहे थे। बोले समाई क्या होती है? बोले समाई क्या क्या होती है, क्या करना पड़ता है समाईक में, कैसे होती है, बारा सुना है, नाम सुना है। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे। गुरुदेव कहते हैं समाईक क्या होती है, देखो खुली आंखों से किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों दिखाई देती है ना, समाईक में उसी वस्तु की गहराई दिखाई देती है। अगर किसी वस्तु की गहराई देखना हो तो व्यक्ति को समाईक करना चाहिए। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको किसी भी वस्तु का मेजरमेंट, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, दिख जाएगा। लेकिन उसकी जो डेप्थ है, अपनी आत्मा की डेप्थ में जाने के लिए, गहराई देखने के लिए आपको समाई करनी पड़ती है। फिर गुरुदेव से को लगा कि एक उदाहरण और अच्छा दर देता हूँ, तो आचार्य से एक और उदाहरण दर दिए। कहते हैं गुरुदेव, अच्छा बताओ सुधीर बताओ। हाँ गुरु जी, करेंट से बचने के लिए क्या करते हो? तो बड़े अच्छे से जवाब देता, सामान्य से जवाब है कि करंट से बचना हो तो लकड़ी के पाटे पर खड़ा हो जाओ। तो जैसे करंट से बचने के लिए आप लकड़ी के पाटे में खड़े हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही राग द्वेष के करंट से बचने के लिए व्यक्ति समाईक के पाटे पर खड़ा हो जाता है। कि अगर आपको राग द्वेष के करंट से बचना है, क्योंकि राग द्वेष आपको साल भर परेशान करता है बंधुओं, उसी में तो उलझे रहता है, दुकान चलाते में, घर चलाते में, परिवार चलाते में, इन सब चीज़ों में आदमी राग द्वेष में ही तो उलझा रहता है।